हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हमो। फ्रेंड्स, आज सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग थंबनेल देखकर तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हम बता दें जो सम सेमेस्टर परीक्षा, इवन सेमेस्टर परीक्षा, एनुअल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएँ, जो आप लोग का अभी ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके पहले आप लोगों की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ होंगी, उसी के संबंध में फ्रेंड्स BTUP से एक नोटिस निकल कर आ रही है। उसी के बारे में आपको सारी चीज़ें A to Z इस नोटिस में आपको मेंशन किया गया। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग अगर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बिना देरी किए हुए जो उसके साइड में घंटी टाइप का दिख रहा है आप उसे प्रेस कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देरी के तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेषक हैं सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ फ्रेंड्स, उन्हीं के द्वारा ये जो नोटिस है वो यहाँ पर आ रहा है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ईमेल के द्वारा ये जो नोटिस है वो आई है। सेवा में प्रधानाचार्य परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदान निजी क्षेत्र की संस्थाएं फ्रेंड्स, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं यूपी में, सभी के लिए नोटिस प्रिंसिपल लोगों के लिए यहां पर आया है। देखिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि दिनांक 12/7/2021 को फ्रेंड्स ये जो नोटिस है वो लखनऊ से आई है। आपको यहां पर हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो इस नोटिस का विषय है, जो सब्जेक्ट है इस नोटिस का वो क्या है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 कि प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में। फ्रेंड्स, जो आप लोगों का जो भी सेमेस्टर एग्जाम होना है ऑनलाइन, उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, उसी के बारे में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महोदय करके यहाँ पर बता रहे हैं, महोदय कृपया उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 10/40/16/10/99/270/20/20 दिनांक 14 जून 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में परिषद की आयोजित होने वाली सम सेमेस्टर परीक्षा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताने जो आप लोगों की सेमेस्टर परीक्षा होने वाली है ऑनलाइन, वार्षिक परीक्षा जिनकी वार्षिक होने वाली है, जुलाई 2021 की परीक्षा, कुल मिलाकर जो जुलाई 2021 में परीक्षा होनी है ऑनलाइन पद्धति से समयांतर का संपन्न कराई जानी है। देखिए इन लोगों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग संपन्न कराना है अपना एग्जाम। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उपरोक्त के दृष्टिगत, आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं, उपरोक्त के दृष्टिगत सूची है कि परिषद की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/7/2021। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो डेट दिया गया है 11/7/2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में, ये लोग भाई 11/7/21 को अपना मीटिंग किए थे, मतलब परसों अपना ये लोग कोई मीटिंग किए थे, उसी के क्रम में सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 सम सेमेस्टर परीक्षा फ्रेंड्स मतलब इवन सेमेस्टर और जो एनुअल जिनका होता है जैसे फार्मेसी वगैरह उनका, जुलाई 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की, जो इसमें फ्रेंड्स जो जो हमारे मतलब जो हमारे भाई लोग बैठेंगे जो जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के लिए प्रयोगात्मक पाठ्यचर्या दिनांक 20/7/2021 तक पूर्ण कराया जाए। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहेंगे यहाँ पर आप लोग 20/7/2021 देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल होगा उसके बारे में जो आपको नॉलेज दिया जाए कॉलेज से वो 20/7/2021 तक दे दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दिनांक मतलब डेट 21/7/2021 से दिनांक 30/7/2021 के मध्य, मतलब 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो आप लोग को नॉलेज दे दिया जाए 20 तक, उसके बाद में 21 से 30 तक आप लोगों का क्या हो ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो जाए, इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रयोगात्मक परीक्षा ऑनलाइन संपन्न कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अवगत कराना है, यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अवगत कराना है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थाएं अपने स्तर से ऑनलाइन माध्यम से आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा, देखिए फ्रेंड जो हमारे गवर्नमेंट और एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो अपने माध्यम से मतलब अपने कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से करवा सकती हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएँ, और जो निजी क्षेत्र की मतलब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन्हें क्या करना है, निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जनपद के नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराएंगी और छात्र छात्रों के प्रयोगात्मक अंगों की प्रविष्टि संस्था लॉगिन फ्रेंड जो आपका कॉलेज लॉगिन है उसकी आईडी से उसके माध्यम के आप लोगों को यहाँ पर क्या है BTUP बोर्ड को ये लोग सेंड कर देंगे। आप लोग यहाँ पर फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि जो भवदीय सुनील कुमार सोनकर जो सचिव जी हैं उनका यहाँ पर देखिए जो सिग्नेचर वगैरह किया गया है, और आप लोग यहाँ पर डेट भी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को अभी क्या है अपना जो आपका MCQ आप लोग तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही आपको करते रहना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो निजी सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनको यहाँ पर आप लोग प्रतिलिपि में देखिए सभी लोग यहाँ पर लिखे गए हैं। आप सभी को हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निदेशक प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर, मतलब जो नोटिस है वो भाई नोटिस सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनील कुमार
सुनील कुमार सोनकर जो सचिव जी हैं प्राथमिक शिक्षा परिषद के, उनका भी यहाँ पर नोटिस में नाम वगैरह मतलब सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी ये तीस जुलाई तक होंगी। आप लोगों को इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए जो एग्ज़ाम है वो भी हमें लगता है देखिए 15 अगस्त से पहले कुछ नहीं होगा, 15 अगस्त से एग्ज़ाम होगा। आप लोग आराम से भाई अपना प्रिपरेशन करते रहिए। हाँ ये कह सकते हैं कि जो 6 सेमेस्टर हैं उनका 10 अगस्त से हो सकता है, लेकिन जो हमारे सेकंड और थर्ड जो हमारे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रेंड्स आप लोग अपना प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है वो 15 अगस्त से पहले नहीं होगा। फ्रेंड्स तो जी हाँ फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर नए हैं तो अभी हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसके थ्रू हमारे चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।